चैनल सो हाउ यू ऑल, आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं काफ़ी दिनों बाद ये व्लॉग बना रही हूँ। तो आज है लास्ट लेक्चर मेरे इस सेमेस्टर का। तो क्या होता है, लेक्चर अलग लगते हैं, क्लासेस अलग। तो फर्स्ट लेक्चर का मैं व्लॉग नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा लास्ट लेक्चर का ही बना दूँ। तो अभी 8 बज चुके हैं, तो 8:30 बजे से लेक्चर है, तो मैं अभी निकल रही हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि ये जो टीचर है ना, ये निकाल देगा अगर 1 मिनट भी लेट हुए। तो मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। लेट्स गो टू द यूनिवर्सिटी। तो आई थिंक ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है काफ़ी दिनों बाद यूनिवर्सिटी में जाने का, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया हुआ ना यूनिवर्सिटी का। तो आज चलते हैं फिर साथ में। तो काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है आज सुबह सुबह 8 बजे। देखो मौसम अच्छा मौसम है। थोड़े दिनों बाद ही नसीब नहीं होने वाला क्योंकि ठंड आ जाएगी, लेकिन हाँ एक बात है कि इस साल जो है इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है पिछले साल के कंपैरिजन। तो आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियो में, आई थिंक पिछले साल वाली अगर आप वीडियो उठा के देखोगे, तो इस टाइम तक ना काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़नी स्टार्ट हो चुकी थी और सुबह सुबह बहुत ठंड लगती थी। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, इस साल देखो कि धूप अच्छी निकली हुई है, मौसम कितना अच्छा है, एंड हम बिना जैकेट के भी जा सकते थे। तो ये तो सेफ्टी के लिए पहनी है मैंने, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ठंड नहीं रोकती, क्योंकि ठंड हुई हो ही नहीं रखी, इसलिए मैंने मोटे वाली जैकेट्स नहीं पहनी हुई, थोड़ी सी भी ना वॉर्म क्लोथ्स निकाले हुए अभी तक, क्योंकि ठंडी नहीं हुई है। गाइस थोड़ा थोड़ा ऑटम सीजन आना स्टार्ट हो चुका है। सुबह सुबह सफाई चल रही है यहाँ पे पार्क में, एंड ये देखो सुबह सुबह कितनी शांति है, कोई भी नहीं है पार्क में, वरना काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। शाम में एक और सिस्टम है कि ना अगर आप लो सरफेस टू हाई सरफेस जाओगे, मतलब यहाँ पे ऐसा है कहीं ऊंचा है कहीं पे नीचा है, उसकी वजह से ना अगर मैं ऐसे चढ़ती हूँ ऐसा लग रहा है किसी पहाड़ पे चढ़ रही हूँ और मेरी सांस फूलने लगती है। तो सुबह का कार्डियो तो आप मेरा यही मान लो कि मैं क्लास आ रही हूँ तो मेरा कार्डियो हो रहा है, इतना ज़्यादा चलना पड़ता है। और मैं बस से नहीं आती क्योंकि हर जगह ना जहाँ मैं रहती हूँ तो हर चीज़ पास में ही पड़ती है यूनिवर्सिटी की, तो बस से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ ही जगह बस से जाने की ज़रूरत पड़ती है। एंड अभी बस मैं पहुँचने वाली हूँ अपनी बिल्डिंग के पास। तो मेरी क्लास है आज फंडामेंटल लाइब्रेरी में, जो क्लास नहीं लेक्चर, एक्चुअली लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया ही था, हॉस्पिटल थेरेपी का लेक्चर है। एंड पिछली बार पता क्या हुआ था कि मैं लेक्चर आई लास्ट टाइम तो क्या हुआ था कि जो बच्चे 20 मिनट भी लेट थे उनको भी घुसने दिया था। फिर मैंने पिछली बार सोचा कि मैं खाना खा लेती हूँ थोड़ा सा भी, मतलब 5 मिनट लेट तो चलेगा, तो मैं 5 मिनट लेट हो गई थी, तो टीचर ने बोला बाहर जाओ। फिर 10 बजे वाले में वापस से अंदर गई, लेकिन आज पूरा 8:30 से पहले पहुँचने वाली हूँ मैं लेक्चर, आज कोई मौका नहीं मिलेगा टीचर को बाहर निकालने का। गाइस ये वाली बिल्डिंग है जिसमें मेरा लेक्चर है अभी, तो अभी मैं सिग्नल पे हूँ। ये बिल्डिंग तो मैंने आपको एक व्लॉग में और दिखाई थी शायद, आपको याद हो तो। गाइस 8:25 भी नहीं हुए अभी तक, तो 8:30 से पहले ही मैं आपकी बार पहुंच जाऊंगी लेक्चर, मतलब देखो बिल्डिंग के बाहर ही हूँ तो मान लो पहुंच ही गई हूँ, तो आपकी बार नो लेट। ये है हमारी बिल्डिंग अंदर से, यहाँ पे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, सीनरीज। ये देखो मेरे आगे स्टूडेंट्स चल रहे हैं अभी। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस बिल्डिंग का ये वाला लगता है, पूरा ऐसा लग रहा है कहाँ महलों में चढ़ रहे हैं। ये देखो पूरा कितना सुंदर है, हम चलते हैं ऊपर। यहाँ पर ऐसा हो रहा है थोड़ा सा भी जोर की बोल रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, काफ़ी लो वॉल्यूम में बोलना पड़ रहा है मुझे, तब भी ऐसा लग रहा है शोर कर रही हूँ मैं। हम लेक्चर हॉल में और टीचर पहले से बैठा, देखो ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। ये देख लो लेक्चर हॉल, एंड ये जो टीचर दिखना है ना इसका नाम है विस्निवस्की, एंड इसने बहुत सारी बुक्स लिख रखी है और ये पेपर में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली सुनता है, फेल कर देता है बच्चों को ये थोड़ी सी भी गलती करोगे तो। इस मैंने एप्रन पहन लिया है, तो यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट को तो एप्रन पहनना ही होता लेक्चर हॉल में, तो मोस्ट लेक्चर्स में हम पहनते नहीं हैं, लेकिन इस वाले में थोड़ा डर है मुझे तो इसलिए मैं पहन रही हूँ। ये टीचर पता कैसा है, 8:30 जैसे होंगे ना ये गेट्स को बंद कर देगा, कोई अंदर नहीं आ सकता। 8:30 होने में ना 2 मिनट्स बाकी है, 2 मिनट के बाद ये गेट्स बंद।
ये गेट्स देखो बंद करने जा रहा है शायद। ओ ले भाई ले, कर दिया बंद। अब आके दिखाओ कोई दूसरा भी कर रहा है, कोई नहीं आ सकता सच में। गाइस देखो एक मिनट लेट था, सिर्फ 8:31 हुए अभी। गाइस अभी हो चुका है ब्रेक, तो अभी 10 बज चुके हैं, तो 10:10 से दोबारा से लेक्चर स्टार्ट है। तो अभी मैं थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ, पढ़ रही हूँ एक्चुअली मैं। अब देखो दिस वन, अभी अटेंडेंस हुई है तो अभी ब्रेक चल रहा है, लेकिन जो अटेंडेंस है ना वो सिर्फ जो ग्रुप हेड है वही लगा सकता है। तो एक ग्रुप में 16-17 स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनमें से एक हेड बनाया जाता है। आप जब फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आओगे तो फर्स्ट ईयर में ही यहाँ पे एक हेड बना दिया जाएगा, तो वही अटेंडेंस लगाएगा सारा जो कंटेंट है, सारी PDF या फिर को जो भी पढ़ने के लिए क्लासेस का जो भी पढ़ने का है वो सब हेड के पास, जो ग्रुप हेड है उसके पास सेंड किया जाएगा सब कुछ, सारा मटेरियल। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो ग्रुप हेड होता है ना, तो ग्रुप हेड के साथ ही टीचर नंबर एक्सचेंज करती है। लाइक यूनिवर्सिटी की जो साइट है उस पर तो सारे स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट में होती है टीचर ऑनलाइन भी, लेकिन जो अगर नंबर एक्सचेंज करने की बात है तो वो सिर्फ ग्रुप हेड के साथ ही नंबर एक्सचेंज करेगी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। मोस्टली टीचर तो वैसे यूनिवर्सिटी की साइट पर भेज देती है, लेकिन अगर नंबर की बात आती है तो उसी के साथ कॉन्टैक्ट में। तो इनमें से एक स्टूडेंट तो ब्रेक में कुछ खाने गया था बाहर, तो उसको तो अंदर रहने दिया इस टीचर ने, लेकिन दूसरा है टीचर को पता लग गया उसके हाथ में बैग है, तो उसको वापस भगा दिया क्योंकि 10:10 से ऊपर टाइम हो चुका था उस टाइम। अभी बज चुके हैं 12 एंड अभी हमारा थर्ड लेक्चर स्टार्ट होगा थोड़ी देर में, 10 मिनट बाद। तो अभी हमारा जो लेक्चर है वो है हॉस्पिटल सर्जरी का लेक्चर होने वाला है, तो अभी हम टीचर का वेट कर रहे हैं। मतलब वेट नहीं है, ब्रेक होता है 10 मिनट का, तो इसमें हम कहीं भी घूम सकते हैं, तो वही कर रही हूँ मैं। अभी जा रही हूँ अभी लेक्चर हॉल के अंदर दोबारा से। टीचर देख रही हूँ आ गया कि नहीं, के लेक्चर्स समाप्त होते हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ फ्लैट की तरफ, तो बाय, चलते हैं वहाँ पे। अब क्या कर रही है, फ्लैट पे जाते ही मैं सबसे पहले खाऊंगी खाना, तो सुबह से ऑलमोस्ट कुछ नहीं खाया था, एक केला खाया था मैंने सुबह सुबह, मतलब ब्रेक मिला था जो 10 बजे उस वाले में, लेकिन अभी देखती हूँ क्या खाऊंगी जाके। तो गाइस ये बन रही है मैगी, तो अभी इंडिया से कुछ फ्रेंड्स आए थे तो वो मैगी लेके आए थे, तो क्लास से आने के बाद का हमारा जो लंच है अभी ये हमारी मैगी है। तो मैगी खाने के बाद किया मैंने रेस्ट, एंड इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ऐसे ही नई वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो बाय।